PP 168 का मार्का, पोलिंग का वक्त शुरू, नून और जुनून का मुकाबला, जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTI के मालिक असद खोखर और नून लीग के राणा खालिद कादरी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लीगी मतवालों को जयालों की भरपूर हिमायत, कप्तान के खिलाड़ी भी बाउंसर मारने को तैयार। फिर शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, ख्वाजा साद रफीक की छोड़ी गई नशिस्त पर आज मैदान सज गया। 1,26,912 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, हल्के में कुल 83 पोलिंग स्टेशन कायम, 16 पोलिंग स्टेशन हसास करार, सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल, पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत 7 मुलजिमान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे। आहद चीमा के खिलाफ नाजायज असासाजात के केस पर समाअत आज एहतसाब अदालत में होगी। आहद चीमा पर अरबों रुपए के नाजायज असासाजात बनाने का इल्जाम, आहद चीमा के खिलाफ रेफरेंस की कॉपियां अदालत में पेश की जाएंगी। नई हुकूमत का पुराना फैसला, पंजाब पुलिस फिर से पुरानी वर्दी पहनेगी, तर्जुमान वजीर आला पंजाब का दावा। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं IG पंजाब पुरानी यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके। कप्तान के खिलाड़ी के यूटर्न पर यूटर्न, सफाई टैक्स पर नई उलझन, कूड़ा टैक्स लगेगा या नहीं, सूरतेहाल शटल कॉक जैसी बन गई। सीनियर वजीर ने सोशल मीडिया पर कमर्शियल कूड़ा टैक्स ना लगाने का ऐलान किया, हर दुकान से माहाना 100 रुपए टैक्स लिया जाएगा। लाहौर न्यूज पर खबर नशर होते ही पोस्ट फेसबुक से हटा दी गई। अब्दुल अलीम खान ने कमर्शियल टैक्स 430 रुपए और घरेलू 86 रुपए फी मरला लगाने की तजवीज दी थी, गलती से पैगाम पोस्ट हो गया, अभी तजवीज जेरे गौर है, तर्जुमान सीनियर वजीर। सजना है, संवरना है तो टैक्स भी भरना है, ख्वातीन का मेकअप अब पड़ेगा मजीद महंगा। शहर के 57 ब्यूटी पार्लर्स सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड कर लिए गए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुतअद्दद बार नोटिसेस, पार्लर्स मालिकान का नो रिस्पांस, तफसीलात की अदम फराहमी पर ब्यूटी पार्लर्स को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा लेस्को के 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा, मेयर लाहौर की लेस्को चीफ को 10 करोड़ रुपए 1-2 रोज में अदा करने की यकीन दहानी। टाउन हॉल में स्ट्रीट लाइट्स के नए मंसूबे और वाजिबात से मुतालिक इजलास, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 27 मॉडल सड़कों पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगाने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक का एक और तारीखी इकदाम, पंजाब बार काउंसिल के होदेदारों की चीफ जस्टिस से मुलाकात, वकला बरादरी के इलाकाई बेंचेस का दरीना मसला हल कर दिया। चीफ जस्टिस के अहकामात पर वकला बरादरी का इजहार तशक्कुर, तमाम 5 डिवीजन्स के सदूर का अदालतों में तालाबंदी और हड़ताल को खत्म करने का ऐलान। अलहमरा हॉल में अखबार फरोश यूनियन के 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फबरदारी, वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान ने अहदेदारों से हल्फ लिया। सदर अखबार फरोश यूनियन चौधरी नजीर बोले, हम सिर्फ रोजी नहीं कमा रहे, खिदमत खल्क भी कर रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर दुनिया मीडिया ग्रुप नवीद काशिफ की 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद, कहा अखबारी सनत और अखबार फरोश एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हैं, वक्त की पाबंदी अखबार फरोशों से सीखनी चाहिए। अखबार फरोश यूनियन के साथ और ज़मीर फरोश यूनियन के खिलाफ हैं, आइन व कानून के तहत मामला चलाने के पाबंद हैं। नजम सेठी के पास चिड़िया है तो मेरे पास बाज है, सूबाई वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान का अखबार फरोश यूनियन की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। भारतीय गुलकार सुखबीर सिंह की लाहौर आमद, कहते हैं लाहौर आकर हमेशा अच्छा लगता है, लाहौर की सकाफत और लाहौर ये बहुत पसंद है, यहाँ के खाने बहुत पसंद हैं, लाहौर ये
फन की भरपूर दाद और साथ देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई जनूबी अफ्रीका पहुंचेगी, कौमी स्क्वाड की कयादत सरफराज अहमद करेंगे। और शहर के गिरदोनवाह में धुंध का राज, ठौकर, मांगाबंडी, दीगर इलाकों में हद निगाह सिफर से 50 मीटर रिकॉर्ड। तर्जुमान वोटरवेव ने भी सफरी हिदायत जारी कर दी। धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मयारी तालीम के साथ तलबा को मयारी तफरीह का भी तोहफा। रंगारंग यूथ फेस्टिवल का अहतमाम, मौसीकी के तड़के ने रंगो रौनकें बढ़ा दी। गुलुकारा आइमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस, तलबा खूब लुत्फ अंदोज हुए।